हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चले आज की हम मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है बुलेटो के ऊपर। बुलेटो वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लाखों के घरों में रोजगार जो आया है वो कहीं ना कहीं बुलेटो उसमें एक शानदार प्रोडक्ट साबित हुआ है। तो वो बुलेटो क्या है, क्या है प्रोडक्ट, उन सारी चीजों पर हम जानेंगे वन टू वन। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना कीमती 30 मिनट बटा के आराम से स्टे हो जाएं, ताकि आप इस बुलेटो अपॉर्चुनिटी को समझ पाएं। तो मैं जा रहा हूं स्क्रीन शेयर करने के लिए। हाँ जी, स्क्रीन आ रही कोई है भी को आपकी? होस्ट अनम्यूट करके मुझे बता। आ रही है, थैंक यू आ सर। रही है, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है। जी, थैंक यू। जिस हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, और ये ऐसी क्रिप्टो मशीन है जहां पर हम क्रिप्टो के एसेट को कम दिनों में इतना एसेट को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि हम कभी ना कभी हम बिटकॉइन की बाय करने की चाहत रखते थे और हम बाय पाते हैं। नो डाउट बुलेटो प्रोजेक्ट का नाम है जहां पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें एजुकेशन लेनी, और एजुकेशन लेने के बाद हम सिर्फ वही एजुकेशन टीम में फॉरवर्ड करनी है। उससे होगा क्या, जब हम एजुकेशन किसी को दे रहे होंगे ना, उस एजुकेशन की बेस पर वो एक अच्छी शानदार अर्निंग कर रहा होगा। तो दा क्रिप्टो मशीन क्या है, बुलेटो क्या है, आइए हम जानते हैं। बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेसिकली ऑडिट वेरीफाइड सेटिक से है, जो कि बिनांस की बहुत बड़ी सेटिक की एक ऑडिट रिपोर्ट करता है। वो क्या करता है कि नासा की सबसे बड़ी टीम जो कि एक हैकर की है, जो कि 54 लोगों की होती है, तो वो उससे बोलती है कि आप जैसे व्यक्ति इसे हैक कर लेता है तो सेटिक क्या करता है, इसको निकलता है और हैकर को 10,000 या $50,000 ऐसा रिवार्ड में दे देता है, ताकि वो लगता है कि वो जो ग्लिचेस है वो निकाल दिए जाए। जो सारे ग्लिचेस निकालने के बाद तो सेटिक क्या करता है, एक ऑडिट रिपोर्ट वेरीफाइड करता है कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या आपकी ब्लॉकचेन 100% डिसेंट्रलाइज वेरीफाइड है। तो ये सटीक ऑडिट रिपोर्ट करता है। तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सटीक, जो कि बिनांस की बहुत बड़ी संस्था है, उससे 100% वेरीफाइड है। बात करेंगे 100% डिसेंट्रलाइज। मार्केट में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रलाइज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। पहले समझ लेते हैं सेंट्रलाइज चीज क्या होती है। सेंट्रलाइज चीज वो होती है जो एक उसका एक मालिक होता है, जो भी पेमेंट आता है वो सारे मालिक को जाता है, मालिक आहिस्ता आहिस्ता उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। कभी कभी मालिक की अगर नियत खराब हो जाए तो वो कंपनी या फिर वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाते हैं। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग होती है, एक क्रिएटर होता है, उस क्रिएटर क्या करता है उस प्रोग्राम को बनाता है और पब्लिक के हवाले छोड़ देता है। उसकी जो मालिक होती है बेसिकली वो पब्लिक होती है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन होता है, और ये बुलेटो द क्रिप्टो मशीन इन द सेंस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसमें इनकम किस प्रकार से आती है, इसमें इनकम जो आती है वो BTC में आती है और बी बॉन्ड और BFIC और USDB में आती है, ठीक है। और ये 8 स्लॉट के साथ मार्केट में है और वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान है, क्योंकि आपने बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काफी प्लान सुने होंगे, लेकिन ये को मैट्रिक्स प्लान है जहां पर हम मेहनत करके भी पैसा बना सकते हैं और मेहनत के साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा बना सकते हैं। आइए जानते हैं हम कि पैसा इस प्रोजेक्ट में हम कैसे मैक्सिमम बना सकते हैं, उसको हम जानते हैं। जो कि इसका फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान है और ये इसका सबसे बड़ा शानदार एक चीज है, वो है इकोसिस्टम। आज इससे पहले जितने भी आपने तमाम कंपनियां सुनी होंगी या देखी होंगी, कहीं ना कहीं उनके सिर्फ एक छोटा सा एक किसी की ब्लॉकचेन हायर करते हैं और वो धीरे से 5-6 महीने में निकल जाते हैं। नो डाउट इनोवेशन फैक्ट्री वो प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 3 साल मार्केट में चलते हो गया और 3 साल के अंदर उनके 3 सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, एंड यूजर को भी हो गए। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम है, यानी कि 38 प्रोजेक्ट जो कि इनोवेशन फैक्ट्री ने डिजाइन, इसमें से 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, उसमें अच्छी खासी इनकम आ चुकी है लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करने के लिए हमें BTC बाई करना पड़ेगा, जो कि बिटकॉइन का 1/10,000वां भाग है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें दो
बीबीडीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 USDB की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 0.1 BFIC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है आपको, मेटामास्क पे जाना है या लव वॉलेट पे जाना है। जैसे आप मेटामास्क पे जाते हैं तो एक ब्राउजर मिलता है, ब्राउजर पे आप जैसे टच करते हैं तो आप अपने अपलाइन के रेफरल कोड को कॉपी कर लेते हैं। देन जैसे आप पेस्ट करते हैं तो वहां पर लिख के आता है कनेक्ट वॉलेट। आप जैसे मेटामास्क को कनेक्ट कर लेते हैं तो कनेक्ट करने के बाद ऑप्शन आती है आपकी USDB की कंफर्मेशन मांगता है। सेकंड कंफर्मेशन मांगेगा BFIC की, तीसरी कंफर्मेशन मांगेगा BTC की और चौथी एंड फाइनल कंफर्मेशन होती है स्मार्ट रजिस्ट्रेशन की। स्मार्ट रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एक नंबर लिख के आता है, उस एक नंबर को कट कर आपको आप अपने अपलाइन की जो भी आईडी नंबर होगा उसे पेस्ट कर दें। उसके बाद स्मार्ट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्लॉट यानी कि ए का पहला स्लॉट और बी का पहला स्लॉट बाय हो जाता है। अब बात करते है क्या, क्योंकि तो हमने बिटकॉइन सुना है, हमने तमाम करेंसी को सुना है, लेकिन ये BTTC क्या बना दिया है क्या। बेसिकली ये एक टोकन है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन BFIC ब्लॉकचेन पे डिजाइन किया गया है। इसकी खुद की कोई कीमत नहीं है मार्केट में। जो भी बिटकॉइन की प्राइस होगी उसका 10,000वां हिस्सा होगा। सपोज करो एक बिटकॉइन की कीमत आज के डेट में $35,000 है तो इसकी जो कीमत होगी वो $3.5 होगी, यानी कि $3.5। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हम 2 BTC से अपनी जानकारी लेते हैं, एंट्री लेते हैं तो हमारी $8 की अमाउंट बनती है और एंट्री लेते ही हमारी पहली पोजीशन बुक होती है ए के अंदर। अब ए के अंदर कौन सी मैट्रिक्स काम करती है जिससे हम 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन से पैसा बनाते हैं। सुनते हैं ना कि 3 अपलाइन से पैसा आता है, 3 डाउनलाइन से आता है, तो आइए हम देखते हैं 3 अपलाइन से कैसे पैसा आता है या 3 डाउनलाइन कैसे पैसा देती है। तो आते ही आपको यू की पोजीशन मिल जाती है और जो बंदा यू की पोजीशन पर आए आप अपने आप को रखें कि मान लीजिए राम ने यू की पोजीशन ली लेकिन उसने एक बंदे को रेफर किया ए को, तो जो ए बंदा आया ना राम के नीचे उसकी जो इनकम है वो उसकी अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका जैसे ही बी पर्सन आया, सेकंड पर्सन आया, उसकी भी इनकम उसके अपलाइन को चली जाती है। लेकिन जैसे ही राम का ए बंदा 2 पर्सन को लेके आता है वो इनकम राम को चली जाएगी क्योंकि उसका अपलाइन राम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि राम के बी में जो बंदे हैं 2 उसमें से एक इनकम राम को जाएगी और एक इनकम रिसाइकिल होकर उसके नियरेस्ट अपलाइन अपलाइन के स्पिल होकर इनकम चली जाती है। अब इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लो आप यू की पोजीशन आते हैं, सपोज करो शिवम है यू की पोजीशन पे, मैंने एक रेफर किया रफीक सर को और दूसरा रेफर किया मनोज सर को, तो रफीक सर की जो इनकम है वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी, मिस्टर जी सीनियर सर को चली जाएगी, और मनोज सर की जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं जी सीनियर सर को चली जाती है। लेकिन रफीक सर जो बंदे लेके आएंगे तो रफीक सर के वो ए और बी हुए तो वो इनकम शिवम को चली जाएगी, मनोज सर के जो ए और बी हैं उसमें से एक इनकम शिवम को और एक इनकम स्पिल ओवर करके अपलाइन या अपलाइन की डाउनलाइन को चली जाती है। ये था एक शॉर्ट 16, 32, 64, 128 टोटल की बात करें तो पड़ती है। बात करें अर्निंग की तो इसमें 511 BBTC आप अर्न कर लेते हैं जो कि बिटकॉइन में होता है 0.0551 बिटकॉइन आप अर्न कर लेते हैं, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आप आते हैं, आप एजुकेट करते हैं लोगों को बताते हैं कि बुलेटो वो प्रोजेक्ट है जहां पर कंपनी भागने का डर नहीं है, कंपनी बंद होने का डर नहीं है, कंपनी में विड्रॉल का डर नहीं है। सिर्फ आपको आना है, पोजिशन लेनी है और बस आपको काम पे लग जाना है। अब हम बात कर लेते हैं बी मैट्रिक्स, बी क्लब मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली जो समझने वाली चीज है ना वो इस मैट्रिक्स में है कि इसकी एजुकेशन अगर किसी को पता हो ना तो समझ में आता है कि बी मैट्रिक्स होती क्या है। तो सेम यार आपको बी में भी एक पोजीशन मिलती है यू की और यू में आते ही आप 2 पर्सन को लेके आते हैं, पहले और दूसरे को। जो भी आपका पहला पर्सन होगा उसकी इनकम पहले अपलाइन को चली जाएगी। सपोज करो शिवम की यू पोजीशन है, ठीक है, शिवम रफीक सर को लेके आता पहले, तो रफीक सर का जो इनकम है वो कहीं ना कहीं जी सीनियर सर को चला जाता है, और जैसे ही सेकंड पर्सन आता है मेरे मनोज सर, तो मनोज सर का पैसा मिस्टर उमर सर को चला जाता है।
क्योंकि मेरी पहली अपलाइन जी सीनियर सर है, सेकंड अपलाइन उमर सर है। तो पहले बंदे का पैसा जी सीनियर सर के पास चला गया, सेकंड बंदे का पैसा उमर सर को चला गया। लेकिन उसके बाद रफीक सर दो बंदे लेके आते हैं, या शिवम के तीसरा चौथा बंदा कोई है, तो वो रफीक सर के तीसरे चौथे में जाके लग जाएगा, जो कि रफीक सर के ए और बी कहला जाएगा। तो तीसरे नंबर का पैसा शिवम को जाएगा, चौथे नंबर का पैसा शिवम को जाएगा, पांचवें नंबर का पैसा शिवम को जाएगा, और छठवें नंबर का पैसा भी शिवम को जाएगा। आप अपने आप को अपनी पोजीशन समझें, ए बी का पैसा ऊपर जाता है, सातवें का जो पैसा है ना वो शिवम की फर्स्ट डाउनलाइन को जाएगा। सपोज करो रफीक सर मेरी फर्स्ट डाउनलाइन थी, तो सातवें नंबर का पैसा ऑटोमेटिक रफीक सर को चला जाएगा, चाहे रफीक सर ने मेहनत की हो या ना की हो, उन्होंने टीम लगाई हो या ना लगाई, उनको पैसा चला जाता है। अब हम बात करते हैं आठवें, तो आठवें स्लॉट का पैसा यू को चला जाता है, नौवें नंबर का पैसा यू को चला जाता है, और दसवें नंबर का पैसा जो कि मेरे सेकंड डाउनलाइन है, जो कि मनोज जी हैं, तो मनोज जी को ये सेकंड डाउनलाइन का पैसा चला जाता है। उसके बाद 11 नंबर का पैसा शिवम को, 12 नंबर का पैसा शिवम को, और जो 13 नंबर का पैसा है वो कहीं ना कहीं जो मेरी तीसरी डाउनलाइन है, सपोज करो पहले नंबर पे रफीक सर आए थे, सेकंड नंबर पे मनोज सर आए थे, तीसरे नंबर पे तनवीर सर आए, तो ये तीसरी इनकम जो है 13 नंबर की वो कहीं ना कहीं तनवीर सर को चली जाती है। और जो 14 नंबर की लास्ट इनकम है वो मेरी तीसरी अपलाइन, जो कि सिस्टम में अभी मौजूद नहीं है, वो कहीं ना कहीं तीसरी अपलाइन को चली जाती है। इस प्रकार से बी क्लब के जो स्लॉट हैं वो भी आठ हैं। पहला स्लॉट है 1 BBTC का, दूसरा है 2 का, फिर 6 का, 24 का, 96 का, 384 का, 1152 और प्लस 2304। अगर मैं बात करूं तकरीबन तकरीबन इसमें जो इनकम होती है आपकी बहुत शानदार होती है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि बी में आप जैसे ही आते हैं आपको एक यू की पोजीशन मिलती है। पहली डाउनलाइन का पैसा पहली अपलाइन को चला जाता है, दूसरी डाउनलाइन जो होती है वो दूसरी अपलाइन को चला जाता है, और जो 14 नंबर का बंदा है उसका पैसा तीसरी अपलाइन को चला जाता है। सातवें नंबर का पहला फर्स्ट डाउनलाइन, आठवें दसवें नंबर का पैसा सेकंड डाउनलाइन, 13 नंबर का पैसा तीसरी डाउनलाइन, और आठ इनकम आपको रिसीव होती है। सपोज करो आपने 1 BBTC लगाया और 8 BBTC आप अर्न कर लेते हैं, अगर आपका एक सर्किल पूरा से रिसाइकल हो जाता है तो। अब बात कर लेते हैं बी क्लब की पावर की, कि बी कलम में हम काम करें तो कितना बड़ा अर्निंग ले सकते हैं। तो इसमें जो आपको लगाना है वो 3969 BBTC लगाना है। अर्निंग की आप बात करें तो 27,784 BBTC अर्न कर लेते हैं, जो कि अगर बात करें आठवें स्लॉट की, तो अगर आपका आठवां स्लॉट रिसाइकिल होता है तो सातवां स्लॉट है वो दो बार रिसाइकिल हो जाता है। अगर सातवां स्लॉट अगर आपका दो बार होता है तो आपका छठवां स्लॉट 3 बार हो जाता है। ऐसे करते करते जो लास्ट स्लॉट है, आपका पहला स्लॉट है, वो कहीं ना कहीं 8 बार रिसाइकिल हो जाता है, क्योंकि आपका आठवां स्लॉट पहली बार रिसाइकिल हो चुका होगा। अगर हम इसे पूरा इनकम को काउंट करें तो तकरीबन 50,576 BBTC आप अर्न करते हैं, जो कि बिटकॉइन की बात करें तो 5.0576 बिटकॉइन होता है। अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो मोर देन 1.5 करोड़ रुपए की इनकम आप अर्न कर लेते हैं। विद इन ये 2 डेज कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं, 1 मंथ कर सकते हैं, सिर्फ आपको आके पोजीशन लेनी है और एजुकेशन देनी है टीम में, आप बहुत जल्द इस पैसे को अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विड्रॉल की, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां भागती हैं, बंद होती हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है विड्रॉल, वहां पर विड्रॉल रोक दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को एक समय देते देते हारने लगता है और कंपनी उसे रोक देती है। पर आपको पता है ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसमें विड्रॉल देने की कोई आवश्यकता नहीं, इंस्टेंट आपके वॉलेट में पैसा क्रेडिट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो BTTC टोकन है, इसको हमें किसी ना किसी करेंसी में एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसे बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हैं चैन ब्रिज के थ्रू, तो आपको 10% की डिडक्शन देनी पड़ती है, और बिनांस के बिटकॉइन BP20 के एड्रेस को कॉपी करके चैन ब्रिज में जैसे आप डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, तो 10% डिडक्ट होगा और आपको BTC इंस्टेंट रिसीव हो जाता है। लेकिन बुलेटो swap.io से अगर आप BTC को स्वैप करते हैं तो आपको BFIC मिलता है, जो कि 5% डिडक्शन के साथ मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रॉयल पूल। रॉयल पूल क्या है?
जैसे हमने बहुत सारी कंपनियों में सुना होगा कि रॉयल्टी अचीवर है, इसने बहुत बड़ी कंपनी में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था, जिससे कंपनी से अपने टर्नओवर का कुछ पैसा देती है। उसी प्रकार से जो भी बुलेटों में यूएसडीबी डिटेक्शन होती है, कहीं ना कहीं वो कंपनी को फीस के रूप में जाती है, लेकिन उस फीस में जितनी भी फीस इकट्ठी होगी, सपोज करो कि हमारे पास इनोवेशन फैक्ट्री के पास या बुलेटो में 1 लाख पार्टिसिपेट ज्वाइन हुए और उसने कहीं ना कहीं अपना यूएसडीबी डिडक्शन या फीस में दिया, उस फीस में इकट्ठा होने वाला यूएसडीबी 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। 50% कंपनी अपने पास रखेगी, 50% उन लोगों में बांट देगी जिन्होंने रॉयल अचीव किया होगा। अब रॉयल पूल में आने के लिए क्या करना पड़ता है? रॉयल पूल में आने के लिए आपको 8 स्लॉट ऊपर की, 8 स्लॉट नीचे की रिसाइकिल करना पड़ता है, यानी कि एक बार आपका ऊपर का 8वां साइकिल रिसाइकिल, नीचे का रिसाइकिल। जैसे आपका ए क्लब और बी क्लब का रिसाइकिल होता है तो आप रॉयल पूल में अचीव कर जाते हैं। जहां पर अगर मैं इनकम की बात करूं तो 50% जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो तकरीबन मोर देन $1 लाख तक आपको मिल सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और अभी कंपनी तरफ से एक लिटरली एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है जो कि सभी को पता है, जो भी पहले 100 अचीवर होंगे उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कार गिफ्ट करी जाएगी, जिसकी कीमत $20+ होगी। और ऐसे हमारे 1,000 जो बंदे होंगे पहले रॉयल पूल में आने वाले, उन्हें 1,000 लोगों को गाड़ियां गिफ्ट की जाएगी, और जो 100 लोग होंगे वो लोग स्वयं जी, होंगे जो कोर मीटिंग में जाएंगे। स्वयं जी आपने जी गलती की है। आपने $20 बोला, $20,000। यस 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 सॉरी सॉरी थैंक यू। 20,000 डॉलर की गाड़ी को, तो $20 में तो कुछ आता भी नहीं, भावनाओं को समझे समय। जी, रॉयल पूल में आने के लिए आपने चीज समझ ली कि आपको 8 सर्किल ऊपर के, 8 फ्लोर नीचे के रिसाइकिल करना है, और आप पहुंच जाते हैं रॉयल पूल के अंदर, जहां पर आपको देना पड़ता है 1 लाख BLB। अब ये 1 लाख BLB लेकर कंपनी करना क्या चाहती है? मन में आता ना क्वेश्चन, यार 1 लाख BLB क्या है? ये उन लोगों से इसलिए लिया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं BLB की भी एक शानदार यूटिलिटी बन के आए और BLB वाले भी अच्छे पैसे बनाकर निकले। कि देखिए, जब कंपनी का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चल रहा था, यूएसडीबी मिल रहा था, लोगों ने यूएसडीबी की कदर नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूएसडीबी कहाँ यूज होगा, लेकिन जैसे ही बुलेटो में यूज होने लगा तो नो डाउट उसकी प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होते होते आज 90 रुपीज में आ गई, और हो सकता है कि कल परसों के अंदर आपको 100 रुपए में यूएसडीबी को बाय करना पड़े। उसी प्रकार से आज बीएलबी की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं हो या कितनी भी वैल्यू हो, यही 3 मंथ या 6 मंथ के अंदर आपका बीएलबी लाइव प्राइस पे बिक रहा होगा। तो इसलिए कंपनी हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, हर चीज को कहाँ यूटिलाइज करना है वो कंपनी को आपसे बेटर पता होता है। तो कंपनी जो डिसीजन लेती है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए कंपनी आपके लिए कभी गलत नहीं जाएगी। कंपनी हमेशा बोलती है कि कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोई भी डिसीजन मुझे लेना पड़ा तो मुझे लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अब हम बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन की। तो इसमें आपको सब पहले बता दिया कि आपको 8 स्लॉट ऊपर के, 8 स्लॉट नीचे के रिसाइकिल करने, और आप देन पहुंच जाते हैं रॉयल पूल के अंदर। बात करेंगे सी मशीन तक बिटकॉइन को आते देखा है, या आंधी की तरह मान लीजिए कि आपने BTC को आते देखा है, लेकिन एक तूफान के साथ तमाम क्रिप्टो को एक साथ आते देख पाएंगे सी मशीन के अंदर, जहां पर टॉप 20 की करेंसी Web3 की, या बात करें Web AI की, यूटिलिटी की, Layer 1 की, Layer 2 की करेंसी आपको मिल रही होंगी। सपोज करो आपने सी मशीन में 1 इथेरियम इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां पर आपको 500 अपलाइन से और 500 डाउनलाइन से इनकम आएगी। 500 अपलाइन एंड 500 डाउनलाइन से मतलब क्या है कि आपने 1 इथेरियम इन्वेस्टमेंट किया और आपको रिटर्न में 1,000 इथेरियम आ जाता है, 1,000 गुना। कहीं सुना है इतना अच्छा रिटर्न? कभी सुना है कि 500 अपलाइन और 500 डाउनलाइन एक मिलकर एक बंदे को कामयाब कर रही हो? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री दुनिया के किसी भी मार्केट में, किसी भी कंपनी में चले जाए, इतना बड़ा पैसा आप नहीं बना सकते जो इनोवेशन फैक्ट्री के लीडरों ने सिर्फ विद इन 5 डेज के अंदर पैसा बना के दिखाया। तो ये था बुलेटो की अपॉर्चुनिटी, जो आपको, मुझे लगा कि आपको 1-to-1 बताया जाए ताकि आपको अवेयर कर पाए कि बुलेटो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप इसे क्यों नहीं समझ पा रहे थे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ आपको 14 बंदे को
एजुकेट करना है और 14 बंदे को बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ सर आपको कुछ नहीं करना, आपको चीजें सुननी है, समझनी है, और समझने के बाद सिर्फ डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद जो आपने काम किया एज इट इज कंपल्सरी आपको भी वही सेम काम करना है। अगर शिवम ने किसी को प्लान दिया, उसने चीजों को समझा, क्रिप्टो की पावर को समझा, क्रिप्टो का फ्यूचर समझा, तो नो डाउट वही चीज अगर आप भी किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो उसका भी एक मन होगा कि इन्वेस्टमेंट कर कर मैं भी बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहता हूँ। और नो डाउट जो भी इनोवेशन फैक्ट्री के बुलेटो में अगर 6 मंथ काम कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके 7 पीढ़ियों को, आने वाली 7 पीढ़ियों को काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम काफी लोग की एक चीज सुनते हैं कि सर मुझे बी क्लब की मैट्रिक्स आज दिन तक समझ नहीं आई, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री का एक डायलॉग भी आप समझते ही हैं कि दिल में आती समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती, वो मैट्रिक्स किस प्रकार बनाई गई है, आइए हम व्हाइट बोर्ड की तरह देख लेते हैं। सिर्फ हम बी मैट्रिक्स की बात करेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अपलाइन से पैसा कब और किस आता है। तो आप आते हैं यहाँ पर, आपको एक यू की पोजीशन मिलती है और आपकी पहली अपलाइन होती है जी सी सर, सेकंड अपलाइन उमर सर, और तीसरी अपलाइन आप कंपनी को मान लीजिए एक मिनट के लिए, ठीक है। यू वाला बंदा दो बंदे को लेके आता है, पहला दूसरा। तो पहले की इनकम पहली अपलाइन को चली गई, सेकंड बंदे की इनकम सेकंड अपलाइन को चली गई, तीसरे बंदे की इनकम चौथे बंदे की इनकम यू को चली गई, पांचवें नंबर की बंदे की इनकम यू को चली गई, छठवें की बंदे की इनकम यू को चली गई, सातवें नंबर का बंदा जो कि पहला डाउनलाइन है, जो कि एक नंबर पे आके लगाता, उसको मिलती है, ये रिसीविंग कर लेता है। आठवें नंबर की पैसा यू को चला जाता है, ठीक है। नौवें का पैसा, दसवें का पैसा यू को, दसवें का पैसा जाता सेकंड डाउनलाइन। सेकंड डाउनलाइन मेरी कौन हुई, इस तरफ वाली, इसे सेकंड डाउनलाइन का पैसा मिल जाता है दसवें नंबर का। 11वें नंबर का बंदा का पैसा आप देख लें किसको जाता है, यू को जाता है। 12 का यू को जाता है। 13 नंबर का पैसा जाता है जो कि मेरी तीसरी डाउनलाइन होगी, और तीसरी डाउनलाइन मेरी इस तरफ है, ये है मेरी तीसरी डाउनलाइन जिसको 13 नंबर का बंदा जाता है। 14 नंबर का बंदे का पैसा तीसरी अपलाइन जो कि कंपनी मान लेते हैं तो उसको चला जाता है। तो सिंपल सी गणित क्या है, अगर आपके पहले नंबर पे कोई बंदा आया, सेकंड नंबर पे कोई बंदा आया, तीसरे नंबर पे कोई बंदा आया, तो पहले नंबर वाले को 7 नंबर का पैसा जाता है, इसको 10 नंबर का पैसा जाता है, और इसको 13 नंबर का पैसा जाता है। सपोज करो आपके बंदे ने बहुत जहरबड़ी बना के 2 4 5 बंदों ने आपने आईडी लगा ली, लेकिन छठवें सातवें आठवें में आप उनके पहले दूसरे तीसरे पे बैठ जाते हैं, तो जब तक उस बंदे का अगर सर्किल पूरा होगा तो उसे 7 नंबर का पैसा फर्स्ट बंदे को देना ही पड़ेगा। सेकंड बंदे का पैसा यानी सेकंड नंबर का बंदा होगा वो 10 नंबर का पैसा लेकर ही घर जाएगा, और जो तीसरा बंदा होगा वो 13 नंबर की इनकम को लेकर जाएगा। चाहे ये इन्वेस्टर हो, चाहे ये नेटवर्कर हो, या कुछ भी हो, इनको स्पिल ओवर तीनों को जाना ही जाना है। उसके बाद फिर आपके चौथा नंबर का बंदा होगा, वो जब रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल होने के बाद जब दोबारा सातवें नंबर का बंदा आएगा तब वो चौथे बंदे को इनकम जाएगी, जो आपका पांचवें नंबर का बंदा होगा उसे फिर 10 नंबर की इनकम जाएगी, और जो छठवें नंबर का बंदा होगा उसे आपकी 13 नंबर की इनकम जाएगी। यानी कि जितने आपके डायरेक्ट होंगे तो पहले नंबर को जाएगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, ऐसे करते करते 10 इनकम जाएगी अगर आपके 10 डायरेक्ट हैं। 11वें नंबर की इनकम उसकी अपलाइन को जाती है, ठीक है। ये था कुछ ओवरव्यू जो कि हम बी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड। तो थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी हमारे पास तमाम एक्सपीरियंस जो कोहोस्ट हैं, जो कि अभी से नहीं, जब कंपनी स्टार्टअप में थी और कंपनी का फर्स्ट फेज में जब बुलेटो लॉन्च किया था, जब लोगों ने बोल दिया था कि पता नहीं बुलेटो है क्या, चलता कैसे, कुछ भी नहीं पता था, उस समय में भी कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उन लोगों से हम जानते हैं कि बुलेटो में उन्होंने क्या सीखा और ये क्या सिखाया और क्या कमाया। नो डाउट कमाने की तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बोलता ना वो कहीं ना कहीं एजुकेट देता है लोगों को। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे दिख रहे हैं मुझे मिस्टर दिनेश राठौर सर, जो कि हमारे रावड़ी राठौर के नाम से जाने जाते हैं। तो वेलकम सर, आपका जो भी दिल है इनोवेशन फैक्ट्री में, आपने जो अचीव किया है प्लीज कम्युनिटी को शेयर करें, वेलकम। जी शिवम जी, थैंक यू सर।
आज पहली बार मौका मिले आपकी मीटिंग में। हेलो, जी, सर आवाज आ रही। पहली बार मौका मिला है आपकी मीटिंग में बोलने का। तो मेरी अचीवमेंट ऐसी है, जब से मैंने मतलब फर्स्ट डे से मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ा था, ये कंपनी के अंदर मतलब सबसे पहले तो ये कंपनी के अंदर बुलेट लॉन्च हुआ था। सबसे पहले 3.5 साल की बात, पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। उसमें मतलब 3 बार क्रैश हुआ था। उसके बाद में वो अपना जो BFIC है ना, वो टोकन था अपनी बाइनेंस ब्लॉकचेन पे, ठीक है। उसके बाद में 3 बार क्रैश होने के बाद में कंपनी ने मतलब अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाने का वादा किया था, ठीक है। उस समय कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था। उस समय पूरा बिना बगैर इनकम के हमने मीटिंग सुना था। और मेरी अपलाइन थी परमसी देसाई सर और शेखर धारीवाल सर। तो 6 महीने तक हमने मीटिंग सुना, वो लोग निकल गए। उसके बाद में आए मतलब मैं डायरेक्ट हो गया उमर खान साहब से डायरेक्ट। उस समय ऐसा माहौल था, नेगेटिव माहौल था। उस समय खान साहब भी अपना चेहरा नहीं दिखाते थे मीटिंग में, ओनली फॉर मीटिंग में आते थे। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये हुआ कि वो लोग रोजाना डेली मीटिंग लेते रहते, डेली उनका जूम कंप्लीट ही होता था डेली। कोरोना के समय के अंदर तो लॉकडाउन हुआ करता था, तो हम कहीं भी जा भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो उस समय हमने क्या किया, मीटिंग सुन रहे थे। 1 रुपए की इनकम नहीं थी हमारी, लेकिन खान साहब ने एक बात बताई कि अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आने वाले हैं, खुद का, ठीक है। तब से खान साहब पे भरोसा आ गया मेरे को, नहीं ये बंदा सही है। प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर हमको बहुत बड़ा लॉस हुआ, काफी सारा लॉस हुआ है। हम वो जेल के आए थे, हम लायबिलिटी थी लाखों करोड़ों रुपए की। लेकिन ये बंदे ने जब ये बात बोली ना कि हम खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, इससे पहले मतलब वो मीटिंग लेते थे, ठीक है ना, जूम मीटिंग लेते, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट हो गए, मेरे माइंड में एक चीज कंप्लीट हो गई है कि ये बंदा कहीं जाने वाला नहीं है। तब से लेके उन्होंने ये बताया कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आने वाले हैं, तब से मैंने क्रिएट कर दिया मार्केट मतलब माइंड में ये बंदा की मतलब जो कंपनी अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेने वाला है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। तब से मैंने डिसीजन लिया कि अभी काम करना है। उस समय तो कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, किसी मार्केट में हम जा भी नहीं सकते थे, ठीक है। तब से मैंने डिसाइड किया कि अभी काम करना है तो यही प्रोजेक्ट पे। शिवम जी रुकिए, जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दिनेश सर। हमारे साथ और भी एक कोर लीडर हैं जो कि हमारे पहले दिन के साथी मिस्टर रफीक सर, वो
किंग खान फ्रॉम राजस्थान, वेलकम सर। आपकी जो भी आप बीती है आप कम्युनिटी के आगे शेयर करें, प्लीज वेलकम। थैंक यू शिवम भाई, आज बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। आज हमारे दोस्त राठौर जी ने आपको वो पुराने दिन की कहानी सुनाई, वास्तव में वो दिन ऐसे ही थे दोस्तों। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, 4 फरवरी 2021 को मैंने पहली बार इस इनोवेशन फैक्ट्री की के बारे में सुना। तो दोस्तों को मैट्रिक्स प्लान के बारे में जब सुना, मैंने बोला मैट्रिक्स प्लान तो बहुत देखे हैं, लेकिन साला ये कौन सा को मैट्रिक्स प्लान आ गया? आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए अपने अपर एप्लाइन को ही इनकम दी, लेकिन ये पहला जिंदगी का ऐसा कॉन्सेप्ट हम सुन रहे हैं कि जहां से हमें 3 एप्लाइन पैसा देंगे। और दोस्तों सिर्फ ये ही बात दिल के अंदर घर कर गई और मैंने इसकी मीटिंगें लेना चालू कर दिया। सही कहा राठौर जी ने, 3 एक्सीडेंट हुए बिलोटो के अंदर, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए और 6, 7, 8 महीने लगातार कंटिन्यू मीटिंग लेते रहे बगैर किसी अर्निंग के। यहां तक कि इतना पागलपन सवार हो गया था दोस्त कि घर की बीवी भी खाना निकाल के देने से भी कतराने लग गई, क्योंकि मीटिंगें इतनी चलती थी। रात के 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होती थी, 10-11 बजे खत्म होती थी, बच्चे सो जाते थे, बगैर अर्निंग के हम लगे रहते थे, अपने हाथों से निकाल के खाना खाया करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी दोस्त। उम्मीद थी कि जो बंदे 3-3 बार फ्लॉप होने के बाद मार्केट के अंदर टिके हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना भयंकर है कि वो अब भी ये कह रहे हैं कि हमें अगर BSE Scan.io ने अगर हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम अपना ब्लॉक चेन लेके आएंगे। वास्तव में सही बात थी ये, और बस यही चीजें थी जो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस जगाती थी कि एक दिन आएगा जब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। कि दोस्तों मैं आपको अपने बारे में कहना चाहूंगा, 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हूं, पैसा बहुत कमाया, इज्जत बहुत कमाई, शोहरत बहुत कमाई, लेकिन दोस्त साल 6 महीने बाद वो इज्जत शोहरत मिट्टी में मिल जाती थी। हम कह नहीं पाते थे कि हम फला कंपनी कर रहे हैं, वही हमारा पुराना जो भी बताते थे लोगों को कि दोस्त हम एक शॉप कीपर हैं, एक दुकान खोल रखी है मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की, आज भी है और पहले भी थी, बता नहीं पाते थे। हमें पता था कि 6 महीने साल 6 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी कब चली जाएगी, अगर दूसरी साल ये मिलेगा बंदा तो क्या जवाब देंगे इसको, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करते थे हम। हमें पता होता था साल 6 महीने बाद कंपनी दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। तो तलाश थी ऐसे कॉन्सेप्ट की कि जो लॉन्ग टर्म तक हम लोगों को इज्जत शोहरत और पैसा दे, बस वो सपना पूरा किया इनोवेशन फैक्ट्री ने। आज रेगुलर 3 साल हो गए दोस्त, पैसे की भूख ना रही। मैं बार बार कहता हूं मीटिंगों के अंदर, अब मैं पैसे के लिए काम नहीं, लोग कमाने के लिए काम करता हूं। मैं अपनी लाइफ के अंदर अगर 1000 लोगों को इस काबिल बना पाया कि वास्तव में वो लग्जरी जिंदगी जिए, तो मेरे लिए बहुत होगा। क्योंकि दोस्त इसके लिए बहुत बड़ी एजुकेशन चाहिए, जो हम एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग उस मुकाम तक तो नहीं पहुंचे जहां हम नौकरी कर रहे होते। तो दिल के अंदर एक टीस थी कि हम पढ़ नहीं पाए, हमारे जो साथी थे बचपन के वो सारे सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर था कि हम भी कुछ बड़ा करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और यही लगन हमें आज काम आई दोस्त, और इनोवेशन फैक्ट्री ने वो सपना भी पूरा किया। अब यहां पर बहुत सारे एडल्ट आते हैं दोस्त, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री हर जगह हमको चोट देती है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम ही इनोवेशन है तो दोस्त कहीं ना कहीं इनोवेशन छुपा हुआ होता है। अभी की मैं बात करूं बिलोटो के अंदर जब कॉन्सेप्ट चालू हुआ था तो लोगों ने अच्छे खासी तरीके से इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जब ऐसा एहसास हुआ कि बिटकॉइन का भाव इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और जो जॉइनिंग अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा है, आने वाले समय के अंदर लोग जॉइनिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये ROI प्लान नहीं था, ये प्लान था मैट्रिक्स प्लान। यहां पर आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ये किया आता है कि जॉइनिंग अमाउंट क्या है। आज हमारा $70 जॉइनिंग अमाउंट था,
साथ में 2 USDP प्लस कुछ फीस के लिए BFIC की जरूरत होती थी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अभी भी ये मान लो $45 का एक बीटीसी बॉन्ड बनता तो $90 आज हो गया, आने वाले दिनों के अंदर ये एक एक बीटीसी बॉन्ड $100-100 का होता, उस टाइम हम लोगों को जोनिंग नहीं मिलती। तो उमर भाई का मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को दुख हुआ, हमें भी दुख हुआ कि हमने बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक टिके रहने और रहना और पैसा कमाना ये बेहतर है, न कि महीने दो महीने बाद इस कॉन्सेप्ट को बंद होना बेहतर है। ये आप अपने आप से खुद से पूछ लें। मैं मानता हूं कि आज मेरे ग्रुप के अंदर या जो भी इनोवेशन में शुरुआती दौर में आए उनके अभी चार्ट में भी मैं पढ़ रहा था, लोगों के सवालात हैं, हमने इतना दिया था, आज उसका अमाउंट 10x कम कर दिया। तो दोस्तों आज आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं वादा करता हूं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जब जोनिंगों की बरसात होगी आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ी इनकम स्पिल ओवर से भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ जोनिंग रेशो बढ़ेगा। और अगर बिटकॉइन $3 लाख तक भी जाता है तो भी हमारा वो पहले दिन का कॉन्सेप्ट चालू हुआ था, जो हमारा 0.01 BTC से जोनिंग लगती थी, 0.02 BTC से जो जोनिंग लगती थी दो बॉन्ड से, उसको नहीं छू पाएगा, क्योंकि हमारा रेशो बहुत हल्का कर दिया, यानी एक बिटकॉइन BTC बॉन्ड का हमारे उमर सर ने 10 BTC बिटकॉइन कर दिया। तो दोस्तों आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में और अभी भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से लोग कम अमाउंट की जोनिंग में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो बस लगे रहिए दोस्तों, आपको मौका है। ये कोमैट्रिक्स प्लान पहली मरतब आया है, आज तक 3 साल के अंदर इस कॉन्सेप्ट का कोई कॉफी नहीं कर पाया, नहीं तो जो मार्केट के अंदर प्लान आता है एक हफ्ते बाद उस कॉन्सेप्ट की कॉफी हो जाती है। यही विशेषता है इस इकोसिस्टम के कोमैट्रिक्स प्लान ब्लोटो की। यहां से दोस्तों कुछ दिनों बाद जब ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, जहां कंपनी के हैंड्स में कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद देखना आप, आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना आपकी जोनिंग लगाने में परेशानी आएगी, ना आपके स्लॉट बाई करने में परेशानी आएगी। और जब तक चाहो इस कॉन्सेप्ट में आप वर्क करते रहो, ये कॉन्सेप्ट जब तक इंटरनेट रहेगा साइड पे सेट रहेगा, यही चीज चाहिए। इसीलिए लोग ज्यादातर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, क्यों, वहां पर कंपनी बंद नहीं होती, लोग जुड़ना बंद हो जाएंगे, इनकम आना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर दाग लगने वाला काम नहीं होगा। तो बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोमो चल रहा है और बहुत कम अमाउंट के अंदर हम लोगों को ये प्रोमो दिया गया है। आज टोटल अगर जोनिंग की बात करें तो उमर सर जैसे बताते हैं $14,000-15,000 के अंदर ए क्लब और बी क्लब के 8-8 स्लॉट बाई हो जाते हैं। इतने से छोटे अमाउंट के अंदर हम लोग अगर अपनी वर्किंग करें तो बहुत अच्छा पैसा $00,00,000 एक महीने के अंदर इससे इजी वे में निकाल सकते हैं, और लोगों ने उसका 10x करके भी 5 दिन के अंदर हमारे को लीडरों ने दिखाया भी है। तो बस लगे रहिए दोस्तों, छोटी छोटी परेशानी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जहां पर अप और डाउन ना हुआ हो, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री है, पिछले लोगों को नहीं भूलती। बहुत सारे लोग BFIC के बारे में बात करते हैं, तो BFIC, USDP और BLV तीनों यूटिलिटी प्लॉटो के अंदर आ चुकी हैं। आज की कंडीशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आज भी USDP मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर किसी के पास है भी तो उसके सपने जाग चुके हैं, वो कम दाम में देना पसंद नहीं कर रहा, उसको भी पता लग गया कि आने वाले महीने के अंदर हमारा USDP USDT की रेट में ही जाएगा। आज कम रेट में कोई BLV देने को पसंद नहीं कर रहा, कि उसको पता है कि जैसे ही ये सारे लोग, जिस तरीके से आज वर्क चल रहा है, ये सारे लोग रॉयल पूल के अंदर जाएंगे, उस दिन हमारा बीलव 5x नहीं 20x बढ़ करके बिकेगा। तो ये सारी चीजें संभव किस चीज से हुई, इनोवेशन फैक्ट्री के उस डिसीजन से जो उमर सर ने लिया। तो शुरुआती दौर में इनोवेशन फैक्ट्री को भी कोई नहीं समझ सकता और फाउंडर ओके सर को भी कोई नहीं समझ सकता, उसके डिसीजन कड़वे होते हैं, शुरुआत में दुख देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोगों को वो फल देते हैं दोस्तों, वो भी बहुत मीठे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, शुरुआती दौर है, आप खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने शुरुआती दौर के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री को एक्सेप्ट किया और अपनी टीम को बनाया।
आने वाले कुछ दिनों के बाद जब बी लव और यूएसडीबी की अच्छी प्राइस पर बिकेगी, उस टाइम देखना दोस्त लोग आपके नाम के पीछे किस तरीके से भागते हैं कि सर मुझे भी अपनी आईडी लगानी है, मेरे पास भी पैसा आ चुका है। तो वो वक्त का इंतजार करिए, वो दिन दूर नहीं जहां पर करोड़ों लोग इस कॉन्सेप्ट के गवाह होंगे। अभी लाखों नहीं हुए हैं लेकिन करोड़ों होंगे, वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद सर। ऐसा ही है क्योंकि जो ब्लूटो का जो कारमा एक बार शुरू हुआ ना, तो थमने का नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी इतना प्यार दे रही है ब्लूटो के प्रोजेक्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी 6 मंथ से इनकम रुकी हुई थी और हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं हमें एक इनकम का सोर्स दे और वो इनोवेशन फैक्ट्री ही दे, नो डाउट उसने सोर्स नहीं दिया। आज रियलिटी यही है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन से अकाउंट में बैलेंस डलवाया जाए। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ नहीं, सभी के साथ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट हमारे को होस्ट है मिस्टर विजय राठौर सिंह जी, जो कि पुराने दौर पे अपने अपने इन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री के BFI से में एक डायमंड की, एक प्लेटिनम की, एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। अब हम उनको सुनने जा रहे हैं। तो वेलकम विजय राठौर सर। थैंक यू वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? जी जी बिल्कुल विजय भाई, 100% आपके आवाज आ रही है जी बिल्कुल। खान साहब ने और राबड़ी राठौर साहब ने बहुत चीजों को आज ताजतना कर दिया उन्होंने, और यकीन माने वो भी एक दौर था जहां पर लोगों ने शिद्दत से काम किया, और शिद्दत से काम किया लेकिन 3 टाइम बुलेटो क्रैश होने के बाद लोग काफी तंगी में आ गए थे। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स में आते हैं, उनको जो आप देख रहे हैं कि आज ये बड़े लीडर बन के बैठे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें वो 6 महीने की तंगी ना क्या हालत कर दिया था हम लोगों की, किस हालत पे ला दी थी। आज वो अलग बात है कि आज किस पोजीशन में है, लेकिन वो 6 मंथ आज भी यदि देख लें, किसी के पास यदि 1 महीना, यदि नेटवर्कर के पास खास तौर से 1 महीना यदि प्रॉपर इनकम नहीं आया ना, तो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, पेशेंस का बिजनेस होता है। हम कितने देर तक टिके हुए हैं, कितने देर तक सब्र कर सकते हैं चीजों को, तो जिसने सब्र किया, सब कुछ झेलते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है, तो ये कोई एक एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिस्टम के साथ बिना 1 रुपए के, वो भी नेटवर्कर जैसा आदमी। नेटवर्कर का आप लोगों को पता है दुनिया में सबसे बड़ा खर्चा होता है नेटवर्कर का दोस्तों। दुनिया में यदि कि किसी के पास सबसे बड़े खर्चे होते हैं, चाहे वो टीम से रिलेटेड हो या घर से या उसके लाइफ स्टाइल की बात करें, तो सबसे बड़ी खर्चा होती है मेरे भाई नेटवर्कर की। और जब नेटवर्कर के पास यदि 1 महीना इनकम नहीं जाता है ना, तो उसकी हालत क्या होती है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सभी लोग नेटवर्कर हैं तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 मंथ ना है पैसा, 1 रुपए ना है पैसा, ऊपर से 3 टाइम बुलेटो क्रैश हो जाना, उस टाइम पे क्या हुआ होगा, क्या मतलब जहां पर हजारों की जूम मीटिंग डेली बेसिस पे हुआ करती थी, वहां पे 50-60 लोगों का बचना, आज वही 50-60 लोग आज जो आप लोग देख पा रहे हैं बड़े लीडर्स में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये 50-60 लोग तो है ही हैं, आज की डेट में इनकम करने वालों की संख्या 50-60 नहीं, 50-60 हजार से लेके 5-6 लाख लोग हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है, और अच्छे पोजीशन में, अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेहरबान किया है इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री ने, क्योंकि कहते हैं ना समय और समझ एक साथ नहीं आती, हमारे सिगेद भाई बोला करते हैं, तो बस यही है। और सबसे बड़ी चीज है जो कंपनी ने एक प्रोग्राम दी है, प्रमोशन दी है, रॉयल क्लब, रॉयल पूल में आना, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है। तो
इसके ऊपर काम करें, इसको प्लानिंग करें, अपने टॉप लीडर्स के साथ बैठ कर प्लानिंग करें और खाली इसी की प्लानिंग करें, मैं बस यही बोलूंगा। और साथ में जो हमारे सबसे बड़ी हेडन तो दूर कर दिया कंपनी ने, कि जहाँ पे 6,000 7,000 रुपए INR पे या PKR में बात करें तो लगभग 20,000 की ज्वाइनिंग लगती थी, ठीक है, यहाँ पर PKR में देखा जाए तो लगभग अब हो गई है कितना, लगभग 4 साढ़े 4 हजार, और आय और INR में देखा जाए तो लगभग 1200 से 1500 के बीच ज्वाइनिंग हो गई है, जो कि लोगों के पास एक हर्डन था कि यार 6-7 हजार रुपए किससे हम लाएंगे, किससे किसकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो आज बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी है इनोवेशन फैक्ट्री ने। इसीलिए बोला जाता है इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर हमारे सोचने से पहले हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए उमर खान जैसे फाउंडर ऐसे जगह पे, ऐसे मुकाम पे बैठे हुए हैं जो हर किसी की तकलीफ को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे लीडर्स के बीच में क्या चल रहा है। रही बात छोटी मोटी समस्याएं, छोटी बड़ी समस्याएं, वो तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ही स्टार्टिंग डे से बना हुआ है, तो छोटी मोटी समस्याएं आएगी जाएगी, प्रॉब्लम्स सॉरी प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्व होते रहेंगे, लोग कमाते रहेंगे, बस ये चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच शिवम भाई, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था आपका, और मैं सभी कम्युनिटी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम मैक्स लोग रॉयल पूल अचीव करेंगे, यही आशा और विश्वास है हमारी। थैंक यू सो मच। जी जी वेलकम हेलो वेलकम विजय सर हेलो शिवम जी, जी स्वयं जी जी राठौर मेरे सर साथ। हाँ जी, जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी यार मेरे बोले को अभी लव वॉलेट में, मतलब जो अपना कंपनी का जो लव वॉलेट है ना, उसमें जो भी आईडी लगाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम कंपनी सुन भी रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो भी बंदे के आईडी लगानी है ना, अभी आप लगाए मेटामास्क में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भी उसमें भी दिक्कत आती है कि अपना स्लॉट बाय किया, मान लो एक क्लब का 5वां स्लॉट बाय किया और उसमें एरर आ रही है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएंगे, मतलब एरर है छोटी मोटी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगी। जी थैंक यू जी सर। थैंक यू सर थैंक यू। समय थोड़ा सा मद्देनजर, और भी हमारे तमाम कोहोस्ट हैं, जो नेक्स्ट हमारे कोहोस्ट मिस्टर एस के सागर जी, वेलकम सर, आप जो भी कम्युनिटी को मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, वेलकम सर। जी थैंक यू शिवम भाई, ऑल कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, और मैं एस के सागर, यूपी बिजनौर, टीम महेश शर्मा कानपुर। आप सभी का इस सेशन में शिवम भाई की तरफ से मैं भी आपका वेलकम करता हूं। और जैसा कि हमारे खान साहब ने कहा, राठौर साहब ने कहा, विजय राठौर साहब ने कहा, बात वाकई हकीकत है कि बहुत मुसीबतें झेली हैं हम लोगों ने भी। उस वक्त जब क्रेसिस ये टाइम चल रहा था, इसका स्टार्टिंग फेज बहुत ही मतलब हमारा डाउनफॉल में रहा था, बट अभी की अगर हम बात करें तो आज जितने भी कोर मेंबर हैं या जो भी यहाँ पर मैक्सिमम अर्नर हैं, तो ये यूं ही नहीं बने, बहुत बड़ा त्याग किया है इन लोगों ने भी। और वो त्याग क्या किया है, जैसा खान साहब ने बताया, 6-6 महीने विदाउट इनकम, मीटिंग के अंदर हमें रहना, मीटिंग करना, सुनना, समझना, तो इसके बीच में क्या था, एक विश्वास ही था। विश्वास किस पे था, उस शख्स पे था जिसका नाम है मिस्टर उमर खान, उन पर विश्वास था, सिस्टम पे विश्वास था, प्लानिंगों पर विश्वास था। तो आज जो है चमकते सितारे हैं ना, अच्छा आज की अगर हम बात करें तो अभी जैसे पीछे डाउनफॉल आ रहे थे बिलव कम्युनिटी के पीरियड में, तो बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में यही बात थी कि यार क्या ऐसा है इनोवेशन के अंदर कि ये कोर मेंबर हटने का नाम ही नहीं लेते यहाँ से, इन्हें कोई और कंपनी समझ में ही नहीं आती।
तो मेरा भाई, मैं उन लोगों के लिए एक शेयर के माध्यम से एक मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना एक समा है और हम जो है उसके परवाने हैं, जितने भी आज हम कोर मेंबर हैं, और हम लोग इनोवेशन को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। तो इनोवेशन के अंदर क्या है ये मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग परवाने हैं और इनोवेशन एक समा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल की लगी है क्या, दिल में लगा के देख, सोई हुई जिंदगी को जरा जगा के देख, और परवाना जल रहा है तो जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। अगर ये पता करना है कि हम लोग क्यों हैं यहाँ जबरदस्त पर बहुत जबरदस्त डाउनफॉल आने के बाद भी, जी राठौड़ जी, बहुत डाउनफॉल आने के बाद भी हम लोग यहाँ पर क्यों थे, निगेटिव चारों तरफा से निगेटिव मैसेज, निगेटिव कमेंट्स, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। भाई यहाँ पे मैंने एक ही चीज सीखी है और वो ये है कि यहाँ पर कम्युनिटी या तो बिल्कुल आसमान में है यानी कि हाई पॉजिटिव है, या फिर बिल्कुल जमीन के अंदर है, बिल्कुल निगेटिव है। बीच का रोल यहाँ पे खत्म है। आज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जिस चीज का रोना हम लोग रो रहे थे, हम लोग, मैं तो नहीं रो रहा था, खैर जो और लोग हैं वो क्या रो रहे थे कि बीएलबी के अंदर हम लोगों ने इतना इतना स्टैक किया, हम लोगों ने इतना इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, और आज हमारा बीएलबी कोड़े के भाव है। तो भाई मार्केट में मैक्सिमम बीएलबी अगर लाने में हम लोगों का सहयोग था, तो बीएलबी को मार्केट से बैक करने में भी हम लोगों का सहयोग होगा। बैक जिस दिन होना स्टार्ट हो गया ना, मार्केट में बीएलबी यूएसडीबी की डिमांड जबरदस्त हो जाएगी। और इसके लिए कंपनी ने 3 प्रोजेक्ट ऐसे दिए हैं, आज मैं देख रहा था बैठ के, गेम ओके मैंने देखा, मैंने बिलव डॉट गेम्स देखा, तो उसके अंदर तीनों करेंसी मुझे जब नजर आई ना, तो मुझे आभास हो गया कि अब तीनों करेंसी यहाँ पर डिमांड में आने वाली है, ब्लैक में होने वाली है, क्योंकि गेम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जो अपने गेम यहाँ पर लाइव हुए हैं ना, उनके अंदर बीएलवी, बीएफआईसी, यूएसडीबी, तीनों में से कोई सा भी कॉइन आपके पास है तो आप उस कॉइन को डिपॉजिट करके वहां पे गेम खेल सकते हैं। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बीएलबी से तो हम पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि तो हमारे पास बहुत है, अगर हमने बीएलबी गेम में डाल के बीएलबी हमें मिलेगा तो क्या फायदा होगा। तो भाई आज आप इसे इस दृष्टि से देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम है, लेकिन आपको बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री के साथ रहने में एक और बेनिफिट हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है कि इस 3 वर्ष के पीरियड में डाउनफॉल आने पे अगर मैं कहीं चला जाता, शिवम भाई कहीं चले जाते किसी और कंपनी में, या कोई और बंदा कहीं चला जाता, तो उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर अपना लॉस करके बैक होते वो। और ऐसा हुआ है बहुत जगह कि यहाँ से सोचा कि यार जब तक माहौल यहाँ पे ठीक होता है तब तक हम कहीं और कुछ देख ले, तो वहां पे अपना फाइनेंशियली लॉस भी हुआ, वहां पे अपनी फेस वैल्यू का लॉस भी हुआ। बहुत सारे लॉसेस करने के बाद हम लोग वो एक ही बात समझ में आई कि इनोवेशन फैक्ट्री चाहे वो घुटनों के बल चले, चाहे वो लंगड़ा के चले, चाहे वो हाई स्पीड चले, वो चलती है और वो कंट्रोल करती है अपनी कम्युनिटी को निगेटिव माहौल में, क्योंकि तमाम कंपनियों के एमडी निगेटिव माहौल होते ही किनारा करने लगते हैं। यहाँ पे जब जब माहौल निगेटिव हुआ है तब तब आपके एमडी आपके बीच में रह के आपको सपोर्ट किया है, आपको सहारा दिया है, आपको आश्वासन दिया है, पर ये बहुत बड़ी बात है। तो शिवम भाई मेरी तरफ से तो इतना ही है, बाकी आप नेक्स्ट को टाइम दें। थैंक यू। थैंक यू एक्सेस सर। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिस्टर गौरी शंकर योगी फ्रॉम जयपुर। वेलकम सर, आपके जो विचार हैं कम्युनिटी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम। थैंक यू शिवम भाई। और जैसा कि टाइम जो है वो सिर्फ 1 मिनट का मिला है, तो उसके हिसाब से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा साथियों, देखिए अभी जो हमें है मौका मिल रहा है वो सिर्फ और 3 और 4 दिन का मौका हमारे हाथ में है। हम लोगों को रॉयल पूल में एंट्री करने के लिए फोकस करना चाहिए, आपको अपने डायरेक्ट पे फोकस करना चाहिए, सब लोगों से बात करें, जिनके स्लॉट अपग्रेड नहीं है उन लोगों के स्लॉट अपग्रेड करवाएं, कोई समस्या आ रही है तो उसका सोल्यूशन करें। जैसे अभी हमारे रावड़ी भाई ने कहा कि लव वॉलेट में दिक्कत आ रही है, लव वॉलेट में आईडी लग रही है तो समस्या है। हाँ उनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में प्रॉब्लम आ रही है,
अगर 10 आईडी लगती हैं तो 2 आईडी या 3 आईडी में दिक्कत आती है। अच्छा देखिए क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के स्लॉट बाय करते वक्त स्लॉट का फंड कट जाता है और उनका स्लॉट बाय नहीं हो पाता है, उनको दिखता है स्लॉट बाय नहीं हुआ है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती आपको, आपको सिंपल सा काम करना होता है, मेटामास्क के वॉलेट में ऊपर एक लड़की बनी होती है, उस लड़की के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां से अपना वॉलेट डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद में मेटामास्क को बंद करें, दोबारा से मेटामास्क खोलें और अपना वॉलेट कनेक्ट करें। इस टाइम पीरियड में 5 से 7 मिनट का टाइम दे दें सिस्टम को, और जब आप 7 मिनट बाद में ये चीज करेंगे तो आपको अपना स्लॉट अपग्रेडेड मिलेगा। इसके बाद में सेकंड चीज क्या हो रही है, जैसे हम आईडी लगा रहे हैं तो आईडी में यूएसडी कट जाता है, हमारा हमारा बीबीटीसी कट जाता है और आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त में फेल्ड बोल देती है। वहां भी आप इस चीज को सेम फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, आपकी आईडी एक्टिवेटेड हो जाएगी, लेकिन ये उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपका फंड कटा है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन फेल्ड बोल देती है लेकिन आपका फंड नहीं कटता है, तो वहां पे क्या करना है आपको, अगर आपने मेटामास्क में आईडी लगा रहे हैं तो मेटामास्क की सेटिंग में जाके आपको वहां पे उसके जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है और कैश है वो क्लियर कर देने हैं, और उसके बाद में दोबारा मेटामास्क खोल के ओपन करना है और आईडी लगा लेनी है। ये छोटे छोटे से ग्लिचेज हैं जो मेटामास्क की वजह से आ रहे हैं, मेटामास्क में आईडी जब हम क्रिएट करते हैं और लव वॉलेट में भी करते हैं तो वहां भी ये थोड़ी थोड़ी कुछ आईडीज में दिक्कत आ रही है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इनके सॉल्यूशंस हैं, जो ये सॉल्यूशन हम लोग फील्ड में कर रहे हैं, टेक्निकल चीजों को देख रहे हैं तो हम लोगों की करवा रहे हैं, इसलिए हमें पता लग रहा है कि ये चीजें हो सकती हैं। तो इस मीटिंग के माध्यम से ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप इस तरह की चीजें कर लें, परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर अगर किसी साथी के साथ में ऐसा होता है कि 15-20 मिनट बाद भी उसकी आईडी अपग्रेड नहीं हो रही है तो सिंपल सा एक मैसेज बनाना है, उसमें आपको आईडी नंबर लिखना है, अगर आईडी एक्टिवेट हो गई है स्लॉट अपग्रेड नहीं हुआ है तो, अगर आईडी अपग्रेड नहीं हुई है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन में फेल हो गई है तो वहां पे सिर्फ आपको अपना वॉलेट एड्रेस देना है और इश्यू लिख देना है कि भाई मेरी आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं लगी, मेरा फंड कट गया। अगर स्लॉट अपग्रेड हुआ है तो वहां पे आप आईडी नंबर के साथ में लिख दें और अपनी अप्लाइन को भेज दें, लेकिन इसके लिए 15 से 20 मिनट का टाइम आप वेट करें, क्योंकि 15-20 मिनट में सिस्टम ऑटोमेटिकली इस चीज को ठीक कर देता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंड रुक जाता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। क्यों शिव भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अगर कुछ गलत है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रदर, नो इशू, बिल्कुल परफेक्ट आपने एजुकेट किया। इससे क्या होगा कि देखिए हम 5 मिनट में परेशान होकर अपने अप्लायंस को फोन कर देते हैं, अब दूसरे वो उसके अप्लायंस को फोन कर देते हैं, ये हमारा एक चेन सिस्टम है, तो वो क्या होता है, एक फोन पे दूसरा फोन, दूसरे पे तीसरा, तीसरा चौथा, 5 लोगों को एक ही चीज के लिए परेशान कर दिया जाता है। 5वें लोग तक जब वो चीज पहुंचती है तब तक पता लगता है पहले वाले के पास तो आईडी एक्टिवेट भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर वो दोबारा घूम के 5वां बंदा पहले चौथे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, तो ये फालतू की रिसाइकल होती है। इसका मैटर ये है कि आप 15-20 मिनट वेट कर लें, अगर 20 मिनट में आपकी आईडी अपग्रेड नहीं हो रही है तो फिर आप अपने अप्लायन को ये चीज भेज दें, तो सिस्टम से हो जाएगी, दिख जाएगी। और मेरा मानना यह है, जैसा मैंने 2 दिन में फील किया है, 99% प्रॉब्लम्स 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाती हैं, कुछ एक आईडीज रहती हैं जिनमें दिक्कत रह जाती है। तो आप, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और सबको बेस्ट ऑफ लक, रॉयल पूल के लिए तैयारी करें और रॉयल पूल में एंट्री करें, और कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग के 100 में आने की कोशिश करें। अगर आप 100 में नहीं आ पाते तो निराश बिल्कुल नहीं हो, 1000 में आने की कोशिश करें, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू गौरीशंकर सर, और जितने भी तमाम कम्युनिटी है, मैं आपको एक चीज विस्तार से बताना चाहता हूँ कि रियलिटी यही है कि वो 10 से 15 मिनट में ऑटोमेटिक आपका जो स्लॉट है वो अपग्रेड हो जाता है। तो इसके लिए अप्लाइन को सिर्फ क्वेरी बनाकर मेंशन कर दें और आप अपने सुपर अप्लाइन को करें ताकि वो आपके डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट को भेज पाए। और नो डाउट कंपनी पूरा पूरा काम कर रही है, और नो डाउट ये मुझे लगता है मंडे तक आपके पास इस चीजों की ग्लिचेस शिकायत 1% भी नहीं रहेगी। इसलिए एंजॉय होके काम करें और मन लगा के काम करें तो आपको समझ में आएगा कि बुलेटो नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं। अगर लाइफ में बुलेटो नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। तो हैप्पी बुलेटो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। गुड नाइट।